एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करने में जो प्रॉब्लम आई वो हमने बात की, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या आया वो हमारे सामने है, एंड दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इन्होंने क्या बना दिया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कि भाई ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसके रेफरेंस में हम बाकी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे। बात आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, फिर आगे की कहानी देखते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ये आपका एक चैम्बर है ज्यादा, ओके यस, है ना, ये आपका यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, वो आपका H प्लस का एक्वस सॉल्यूशन है, कितना 1 m, ठीक है, या आप उसको लिख सकते हो HCl का 1 m सॉल्यूशन है, ठीक है, ये HCl का या एक्वस का हाइड्रोजन आयन का 1 n उसका सॉल्यूशन है। ये आपकी एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, और उसमें ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, और प्लेटिनम फॉयल है, सॉरी अभी मैं बताऊंगा, डायग्राम आप बनाते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूं वो एक सील्ड ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये इसमें से इन्होंने ये वायर पास किया है, ये लो भाई, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखते जाओ फटाफट कहां क्या क्या है। तो ये जो अंदर वाली ग्लास ट्यूब है ये है हमारी सील्ड ग्लास ट्यूब, ठीक है, होप इट इज विजिबल, सील्ड ग्लास ट्यूब है ये अंदर वाली जो है वो, ये गैस के लिए देखो इनलेट है, यहां पर हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो यहां पर हम लोग जो हाइड्रोजन गैस है वो पास करेंगे, और वो भी कितने कितने बार, क्या बार प्रेशर होगा भाई, 1 bar प्रेशर पे, प्रेशर कितना होगा 1 bar प्रेशर हाइड्रोजन गैस का, यहां पर हाइड्रोजन आयन के सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका 1 m, ठीक है, ओके। अब देख लो ये जो ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहां से हम जो आपका जो ये है क्या बोलते हैं हाइड्रोजन है उसको उसको पास कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इसके कांटेक्ट में आती है, ये यहां पर आपको दिख रहा है ना स्क्वायर जहां पर मैंने लाइनिंग किया है, इसके कांटेक्ट में आती है। अब ये क्या है ये देख लो, ठीक है, ये क्या है ये मैं लिख देता हूं, ये आपका है प्लेटिनम फॉयल, प्लेटिनम फॉयल है ये, ठीक है। अब लेकिन केवल प्लेटिनम फॉयल नहीं है, आगे और देखो क्या है, प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, ये लो भाई फाइनली डिवाइडेड, आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप, मैं बोलता जा रहा हूं आप लिखते जाइए, कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, ये लो, ये बेसिकली एक प्लेटिनम फॉयल है, उसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, जिसको प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक, वो उससे ये कोटेड है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने है, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इन्होंने माना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है भाई, ये एक गैस इलेक्ट्रोड है, बात समझ में आ गई, गैस इलेक्ट्रोड है भाई, गैस की रिएक्शन होती है इसमें, गैस हम लोग यूज ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एक गैस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। उसके अलावा अब इन्होंने रेफरेंस मान लिया ना, इसको रेफरेंस मान लिया, तो उन्होंने क्या हुआ, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स कर दी, और आपको सरप्राइज होगा, किसी को ध्यान है कितनी करी इन्होंने, सर आपको ध्यान, जीरो, यस, SRP ऑफ SHE इन्होंने क्या मान लिया, 0.0 वोल्ट, ये देखो भाई 0.0 वोल्ट मान लिया, और वो भी खास बात क्या है, एट ऑल टेम्परेचर, इन्होंने कहा टेम्परेचर कुछ भी हो हमारा ये वैल्यू जीरो ही रहेगा, एट ऑल टेम्परेचर, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मीनिंग है। इन्होंने ये एक इलेक्ट्रोड लिया, अब किसी को नहीं पता कि क्या इसकी कहानी है क्या नहीं है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है कितना नहीं है, यहां इन्होंने कहा हम इसका जीरो मान लेते हैं, ठीक है, ओके, इसको रेफरेंस मान लिया। अब आपको रेफरेंस होने का मतलब समझ में आ रहा होगा, अब इसके रेफरेंस में बाकी सबका वो है वो कैलकुलेट होगा। तो पहले देख लेते हैं, ये हमने पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस पे रिएक्शन क्या होगी, तो इस पे रिएक्शन बहुत सिंपल है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ध्यान रखना ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप रिएक्शन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की ही प्रोसीड कराएंगे, ये लो
ये एक्वस प्लस में आपने लिखा दो इलेक्ट्रॉन, या आप एक काम करते हैं ये एक ही ले लेते हैं जो एनसीईआरटी ने कहा है वो ही चलते हैं। ओके ये हो गया एच प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हो गया हाफ एच टू गैस। ओके ये हो गया इसकी सेल और सॉरी इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ओके अब इसका देख लेते हैं इलेक्ट्रोड का नोटेशन क्या होगा, इलेक्ट्रोड नोटेशन यानी कि इसको इलेक्ट्रोड को लिखते कैसे हैं। ठीक है तो ये जो लिखने का तरीका है ये मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करूंगा। ओके और मैं ये जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है और ये एसआरपी वैल्यू है इसको मैं एक बार हटा रहा हूं। अब आप इलेक्ट्रोड का नोटेशन देख लीजिए, नोटेशन क्या है, इसमें प्लेटिनम की सरफेस पे रिएक्शन हो रही है ना। अब प्लेटिनम का काम देख लो क्या है, प्लेटिनम का काम बहुत सिंपल सा है, ये आपके प्लेटिनम ये गोल्ड ये हमने पी ब्लॉक में पढ़ा है कि ये कौन से मेटल होते हैं बताना जरा, कौन से मेटल होते हैं, नोबल मेटल, हाँ इनर्ट मेटल होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ प्लेटिनम लिया है कि ये जो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये। ठीक है लेकिन ये रिएक्शन होने के लिए अपनी सरफेस प्रोवाइड करेगा, आपको पता है रिएक्शन होने के लिए एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने के लिए ये जो एच प्लस आयन और एच टू गैस इनके बीच में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कुछ भी होगा तो उसके लिए हमें एक मेटेलिक सरफेस चाहिए, तो वो ये मेटेलिक सरफेस प्रोवाइड कराएगा और इस पे इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन भी होगा, मेटल है ना। ठीक है तो इसलिए ये जो प्लेटिनम है ये इनर्ट मेटल है, आप लोग इसको मेंशन कर लो जो मैं लिख रहा हूं कहीं पर भी है ना, जो मैं बता रहा हूं आपको उसको आप मेंशन ही कर लो, बेटर टू राइट इट है ना, बेटर टू यस इसको लिख ही लो, जब बात चल गई है तो लिख लो मेटल लाइक पीटी, मेटल मेटल लाइक पीटी और एयू, एयू यानी गोल्ड, ठीक है एयू यानी गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है बेचारा, यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज हुआ है कौन आपका प्लेटिनम। ठीक है आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड बिकॉज दे डोंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बिकॉज दे डोंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये आपका जेड एन रोड की जैसा नहीं है जो रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, नो ये तो आपका बेचारा रिएक्शन ही नहीं कर रहा। ठीक है तो विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन, बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए अपनी सरफेस दे रहा है ये। ठीक है ना एंड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन और ये अपनी सरफेस दे रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसके सरफेस पे होते हैं, तो ये काम कर रहा है प्लेटिनम, होप दैट यू हैव रिटन इट। अब बात कर लेते हैं सेल इलेक्ट्रोड नोटेशन की, तो हमने लिखा प्लेटिनम, प्लेटिनम हमारा सॉलिड है। ठीक है उसके बाद में आपने लिखा है H2 गैस, ठीक है और वो आपका प्रेशर है 1 बार प्रेशर। ठीक है उसके बाद में है आपका H+ एक्वस और वो है आपका 1 m कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका पूरा इसका नोटेशन है, किसका नोटेशन है बताना जरा, किसका नोटेशन है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरह से लिखते हैं, ये गैसेस इलेक्ट्रोड है ना इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है तो ये हो गया, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर आपको सामने समझ में आ गई है कि इसमें 1 मोलर 1 m एच प्लस आयन का एक्वस सॉल्यूशन होता है, यहां से हम लोग बबल करते हैं क्या एच टू गैस, इसकी सरफेस पे रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा ये डिपेंड करता है दूसरा इलेक्ट्रोड कौन है, दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल यदि इससे ज्यादा है तो ये ऑक्सीडेशन होगा और ये एनोड की एनोड के रोल में आ जाएगा, और यदि दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे कम है तो ये कैथोड के रोल में आ जाएगा और ये क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन होगा, जब रिडक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगी और जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसके ऑपोजिट रिएक्शन होगी, बात आपको समझ में आई। लेकिन हम लोग हमेशा जो इसकी जो रिएक्शन है ठीक है वो हम हमेशा रिडक्शन रिएक्शन ही लिखते हैं क्योंकि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को मेंशन करते हैं इसलिए। ठीक है तो ये हो गया, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर हमने देख ली।